हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। संसार में लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म और जात पात बनाई और अपने अपने धर्म का अनुसरण करने लगे। इसी में से एक है मृत्यु के बाद होने वाला अंतिम संस्कार। सभी धर्म में अलग अलग तरह से अंतिम संस्कार होते हैं, लेकिन सभी का मकसद सिर्फ एक ही होता है, इस शरीर को पंच तत्वों से मिला देना। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में शरीर को जलाया जाता है और इस्लाम में दफनाया जाता है, तो फिर सिख धर्म में मरने वाले का अंतिम संस्कार कैसे होता है? ऐसा कहा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना हिंदू धर्म से ही हुई है, इसलिए इसकी बहुत सी रस्में हिंदू धर्म से ही मिलती हैं। इसी में से एक अंतिम संस्कार की विधि भी है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर देना चाहिए, ताकि जिस पंच तत्वों से उसका निर्माण हुआ है वो उसी में मिल जाए। साथ ही इससे मृतक की आत्मा को भी शांति मिलती है। ऐसा करने के पीछे ये मत दिया जाता है कि अगर शरीर नहीं होता तो मृतक से उसके परिजनों का मोह खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म की ही तरह सिख धर्म में भी मृतक का अंतिम संस्कार उसके सब को अग्नि के हवाले करके किया जाता है। अंतिम संस्कार से पहले मृतक के शरीर को नहलाया जाता है, जिसके बाद सिख पंथ के पांच चिन्ह कृपाण, कंघा, खटार, कड़ा और केस को अच्छे से सवारा जाता है। इसके बाद अर्थी पर ही सबको शमशान घाट तक ले जाया जाता है और इस दौरान सभी वाहे गुरु कहते जाते हैं। सिख धर्म में अंतिम संस्कार में महिलाएं भी शमशान जा सकती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ये वर्जित है। अंतिम संस्कार मृतक का कोई करीबी करता है। दाह संस्कार के दौरान शाम को अरदास और भजन किया जाता है। शमशान से आने के बाद नहाने के बाद सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, जो लगातार 10 दिनों तक चलता रहता है। 10 दिनों बाद गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पूरा होने के बाद कड़ाहा प्रसाद की बारी आती है। शोक करने आए सभी लोगों को कड़ाहा प्रसाद बांटा जाता है, जिसके बाद भजन कीर्तन होता है और ये अरदास की जाती है कि ईश्वर मरने वाले की आत्मा को शांति दे। क्या आपको इससे पहले सिख धर्म के बारे में पता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।